हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द हिंदू न्यूज़ एनालिसिस। माय नेम इज़ नवीन यादव और आज है 8th ऑफ नवंबर। चलिए डिस्कस करते हैं आज के इंपॉर्टेंट न्यूज़। उससे पहले एक मोटिवेशनल कोट देख लेते हैं। देखिए, इसमें कहते हैं सराउंड योर सेल्फ विद दोज वो आर हंग्री फॉर सक्सेस। देखिए, कोशिश कीजिए कि जो आपके पास एनवायरनमेंट हो या जो भी आपके फ्रेंड्स हो वो ऐसे हो कि जो सक्सेस के लिए आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो। ऐसे इंसान ना हो जो आगे बढ़ने की सोच ही ना रहा हो और आप सिर्फ अकेले ही लगे हुए हो। उस केस में क्या होता है कि आपको कोई मोटिवेट करने वाला नहीं मिलता, आप सिर्फ खुद से ही अपने आप को मोटिवेट करते रहते हो। लेकिन एक स्टेज ऐसी आती है, काफ़ी बार आपको दूसरे की रिक्वायरमेंट होती है, दूसरे को देख के आप बहुत ज़्यादा मोटिवेट होते हो। तो आप कोशिश करो कि अपना जो फ्रेंड सर्कल है आपका वो भी इस तरह का ही हो कि आप अगर आगे बढ़ना चाह रहे हो या किसी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपके साथ ऐसे लोग हो जो यानी कि सक्सेस के लिए बिल्कुल भूखे हों, यानी कि उनको भी सक्सेस चाहिए, आपको भी सक्सेस चाहिए। तो उससे बहुत बार ऐसा होगा जब सेल्फ मोटिवेशन आपका थोड़ा कम होगा तो उनको देख के आप बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो सकते हैं। तो इसमें आपका जो है टाइम वेस्ट नहीं होगा और आपको बार बार सेल्फ मोटिवेटेड ना होना नहीं पड़ेगा, दूसरे लोग आपको उसमें हेल्प करेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिए, एक आपके लिए सीख है ये। राइट, चलिए देखिए, आज हम पढ़ेंगे थोड़ा माही रिवर के बारे में। ये देखिए, यहाँ पे माही रिवर दिखाई दे रही है आपको, ये माही रिवर है और यहाँ से ये देखिए इसका ओरिजिन है और फिर ये जाके यहाँ पे जाके ये अरेबियन सी में गिर जाती है। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। बोलते इट राइजेज इन मध्य प्रदेश एंड आफ्टर फ्लोइंग थ्रू द वेगाड रीजन ऑफ राजस्थान एंटर गुजरात एंड फ्लो इन टू अरेबियन सी। यहाँ से ये देखिए एमपी है, ये एमपी की बाउंड्री है, ये देखिए ये एमपी की बाउंड्री है यहाँ पे, ये तो यहाँ पे एमपी की बाउंड्री से ये एमपी में ओरिजिन है इसका, उसके बाद ये राजस्थान में जाता है और गुजरात में जाती है रिवर। तो ध्यान रखिए, तीन जगह इस रिवर का वो है, एमपी से ओरिजिन है, फिर ये जाती है राजस्थान में और फिर जाती है गुजरात के, और गुजरात से जाके फिर ये अरेबियन सी में जाके गिर जाती है। इस कहते इसके अलावा और क्या कहते हैं इसके बारे में, देखिए इट इज़ वन ऑफ द मैनी वेस्ट फ्लोइंग रिवर इन द इंडिया। ये जो वेस्ट फ्लोइंग रिवर है उनमें से एक है। वेस्ट फ्लोइंग रिवर ज़्यादा नहीं है इंडिया के अंदर, जैसे वेस्ट फ्लोइंग में नर्मदा आ गई, तापी आ गई, तो माही आ गई, साबरमती आ गई। ठीक है, तो कम ही ऐसी रिवर है। तो इसमें कुछ एग्जाम्पल दिए जैसे तापी, साबरमती, लूनी और नर्मदा। ये कहते हैं सिल्ट बोट डाउन बाय द माही हैज़ कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द शेलविंग ऑफ गल्फ ऑफ खम्बात। ये देखिए गल्फ ऑफ खम्बात है और ये क्या है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा सिल्ट लेके आता है, यानी कि ये मिट्टी वगैरह बहुत ज़्यादा लेके आती है माही रिवर, इसलिए मिट्टी यहाँ इकट्ठी हो गई है। तो ये जो रीजन है ये भी शैलो हो गया बहुत। इसके अलावा कहते हैं माही बजाज सागर डैम और कडाना डैम इज द डैम अक्रॉस द रिवर। दो ये बड़े बड़े डैम है, सॉरी, माही बजाज सागर डैम और कडाना डैम। इसके अलावा कहते हैं देर आर लार्ज नंबर ऑफ आइलैंड्स विद इन द कैचमेंट एरिया ऑफ द डैम, और डैम के आसपास, इसको बंसवारा डैम भी कहते हैं, इस डैम के आसपास बहुत से आइलैंड है छोटे छोटे, इसलिए कहते हैं सिटी ऑफ हंड्रेड्स आइलैंड भी इसको कहा जाता है इस डैम के आसपास जो। ठीक है, इस डैम को भी कह सकते हैं आप सिटी ऑफ हंड्रेड्स आइलैंड। इसके अलावा कहते हैं द ग्राउंड वाटर इन मैनी एरिया माइट बिकम सेलाइन ड्यू टू इट, और जो आसपास का एरिया है उसमें जो ग्राउंड वाटर है वो भी सेलाइन हो गया है। ठीक है, यानी कि सॉल्ट वगैरह उसमें आ गया है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सॉल्ट कैरी करती है। कहते हैं इन द पास्ट 2016 अराउंड 600 to 800 टर्टल्स हैव बीन डाइड बिकॉज ऑफ द एक्सेस सैलिनिटी ऑफ द वाटर, और ज़्यादा सोल्ट होने के कारण जो इसके अंदर टर्टल वगैरह हैं, ठीक है, अगर एक एस्टिमेट के अकॉर्डिंग ये बताते हैं कि 2016 से अगर बात करें तो 600 से 800 टर्टल्स जो हैं उनकी भी डेथ हो चुकी है। क्यों? क्योंकि सेलाइन वाटर बहुत ज़्यादा है। तो ये तीन चार चीज़ें आपको ध्यान रखनी है माही रिवर के बारे में। राइट, चलिए देखिए, चार क्वेश्चन पूछे थे, उसका आंसर बता देता हूँ मैं आपको। क्वेश्चन नंबर वन था, विच डीकमीशन्ड एयरक्राफ्ट कैरियर विल बी कन्वर्टेड इन टू इंडियाज फर्स्ट एवर मूड मैरीटाइम म्यूजियम कम मैरीन एडवेंचर सेंटर। देखिए, कौन सा ऐसा डीकमीशन एक एयरक्राफ्ट कैरियर है जिसको एक तरह से मैरीटाइम म्यूजियम कम मैरीन एडवेंचर सेंटर की तरह बनाया गया है? तो इसका नाम है INS विराट। क्वेश्चन नंबर सेकंड था, देखिए, ग्लोबल पोजीशनिंग नेविगेशन सिस्टम जो यूरोपियन यूनियन है का है उसका नाम बताना था, तो आंसर है गैलीलियो। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, देखिए, फर्स्ट एवर इंडो जापान मिलिट्री एक्साइज धम या धर्म गार्डियंस 2018 हैज स्टार्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, तो ये मिजोरम में स्टार्ट हुई थी। इसके अलावा देखिए, क्वेश्चन नंबर फोर्थ था आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट सेलिब्रेट इट्स फाउंडेशन डे ऑन नवंबर 1। चार ऑप्शन दिए थे और पांच स्टेट है, काफ़ी लोगों ने कमेंट सेक्शन में काफ़ी अच्छा आंसर दिया है। तो 1 नवंबर जो है झारखंड का नहीं होता, छत्तीसगढ़ का होता है फाउंडेशन डे, हरियाणा का भी होता है, उसके अलावा तीन स्टेट्स और हैं केरला वगैरह का। तो ये चीज़ ध्यान रखिए कि 1 नवंबर किस किस का फाउंडेशन डे है।
इसके अलावा आज के चार क्वेश्चन आपके, देखिए क्वेश्चन नंबर वन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी इज द वेन्यू ऑफ द 2018 इंडिया इंटरनेशनल चेरी ब्लॉसम, ठीक है, IICB फेस्टिवल जो होगा उसको, कौन सी सिटी है जहाँ पे वेन्यू है इसका। चार ऑप्शन है, अगरतला, गंगटोक, श्रीनगर या शिलोंग। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग फिल्म वाज द इंडियाज लोन एंट्री एट रोम फिल्म फेस्टिवल। रोम फिल्म फेस्टिवल 2018 है, उसमें कौन सी मूवी है जिसको, इंडिया की मूवी है जिसको एंट्री मिली है। सुई धागा है, परमाणु है, रज्जी, राजी और मेरे प्यारे प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, चार मूवी है। आपको आंसर बताना है कि रोम फिल्म फेस्टिवल में कौन सी मूवी को जो है एंट्री मिली है इंडिया की। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, अंडर द प्रोविजन ऑफ विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द प्रेजिडेंट अपॉइंट जजेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। अभी देखिए कुछ जजेज अपॉइंट करे गए हैं, तो उसी के बारे में पूछ रहे हैं कि किस प्रोविजन के तहत जो है प्रेजिडेंट अपॉइंट करता है सुप्रीम कोर्ट के जजेज, आर्टिकल 125, 124, 126 या 127, ठीक है, ये आर्टिकल बताना आपको। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है आपका, इंडिया इज फर्स्ट एसमेट्रिक केबल स्टेड ब्रिज, ठीक है, सिग्नेचर ब्रिज है रिसेंटली इनोग्रेटेड इन विच ऑफ द सिटी। सिग्नेचर ब्रिज जो है इनोग्रेट किया गया है और फर्स्ट एसिमेट्रिकल केबल स्टेड ब्रिज है ये, इसकी पिक भी आप देख सकते हैं, ठीक है, अभी ये किया है, कल परसों की ही बात है। तो कहाँ पे किया है, मुंबई में, कोलकाता, चेन्नई या दिल्ली। चलिए इसके अलावा देखिए न्यूज़ देखते हैं आज। देखिए अभी एक प्रपोज, एक गंगा रिवर से रिलेटेड एक बिल जो है वो प्रपोज किया गया है। अभी उसको देखिए, वैसे तो रखा गया है कि पब्लिक के लिए रखा गया है, सभी मिनिस्ट्री को अभी सजेशन देने के लिए बोला गया है, लेकिन क्या क्या उस बिल के अंदर है ये हम थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए इस बिल में ये माना गया है कि जो जेटीज वगैरह बनाई जाती है, पोर्ट्स बनाए जाते हैं या परमानेंट हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर बनाए जाते हैं, तो ये इनको बैन किया है कि आने वाले टाइम में जेटीज हो गए, पोर्ट हो गया, परमानेंट हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर है वो गंगा के ऊपर नहीं बनाए जाएंगे। और ये इसमें ये बोला कि अगर परमिट भी मिलेगी तो कौन देगा, नेशनल गंगा रेजुवेनेशन अथॉरिटी NGRA, ठीक है, NGRA से जो है परमिशन लेनी पड़ेगी, इसके बाद ही कोई जो इस तरह की जो जेटीज हो गई या कोई पोर्ट्स हो गए या परमानेंट हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर है वो अगर बनाने होंगे तो आपको नेशनल गंगा रेजुनेशन अथॉरिटी का जो है परमिट लेना पड़ेगा। इसके अलावा देखिए ये लेजिस्लेशन, जो कौन सा लेजिस्लेशन है जिसके अंदर चेंजेस की बात हो रही है, ये है नेशनल रिवर गंगा रेजुनेशन कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट बिल 2018, ठीक है, ये बोलते हैं प्रपोजिज टू क्रिएट ए मैनेजमेंट स्ट्रक्चर। और ये देखिए इसमें एक इन्होंने बोला है कि ये जो रिवर की हेल्थ है, गंगा रिवर जो है इसकी हेल्थ को ठीक करने के लिए इस तरह के स्टेप लिए जा रहे हैं। और गंगा की लेंथ आपको पता होना चाहिए, 2500 किलोमीटर लॉन्ग है गंगा, ठीक है। और देखिए इस बिल के अंदर जो गंगा है उसको इंडिया के नेशनल रिवर का भी दर्जा दिया गया है, और पहले भी दिया गया था ये, फिर आप ध्यान रखिए इंडिया की नेशनल रिवर कौन सी है, गंगा। ये देखिए अभी इस जो बिल को है पब्लिक के लिए या नॉर्मल मिनिस्ट्रीज के लिए कमेंट के लिए रखा गया कि आप अभी कमेंट दीजिए, इसको विंटर सेशन में पार्लियामेंट में रखा जाएगा। इसके अलावा देखिए इसमें बिल में क्या कहा गया है कि गंगा को जो है उसका जो अनइंटरप्टेड इकोलॉजिकल फ्लो है वो बना रहना चाहिए, इसलिए ऐसे स्टेप उठाए जा रहे हैं, यानी कि एक फ्लो जो है वो बना रहना चाहिए। ये नहीं बीच में डैम ऐसा बना दिया कि फ्लो बिल्कुल खत्म हो गया जो इतना होना चाहिए, तो एक फ्लो को मेंटेन करने की बात कही है इस बिल के अंदर, राइट। और ये देखिए ये बोल रहे हैं कि अभी काफी डैम्स हैं, जैसे अपर स्ट्रेचेज में अगर देखेंगे तो आप उत्तराखंड वगैरह में काफी डैम बनाए गए हैं, इस वजह से रिवर का जो फ्लो है वो ऑब्स्ट्रक्ट हो गया है, यानी कि उसमें काफी रुकावट देखने को मिली है। रिवर का फ्लो सपोज कीजिए पहले यहां तक आता था, अभी यहां तक आने लगा है और हो सकता है आने वाले टाइम में यहां तक आए, तो इस एरिया में सपोज कीजिए ये तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन है, नॉर्मल जगह पे अगर यहाँ पे इकोलॉजिकल कोई भी चीज है या पेड़ है, पौधे हैं, कुछ छोटे ऑर्गेनिजम्स हैं, तो इनको कितना इफेक्ट होता है अगर ये लेवल जो है कम होता है या ज्यादा होता है, तो ये नेचुरल जो फ्लो है एक रिवर का फ्लो है उसको उसको ऑब्स्ट्रक्ट ना हो, इस वजह से इस बिल को लाया गया है। इसके अलावा देखिए इससे प्रॉब्लम क्या होगी, अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर ने एक, आपको पता है कि नेशनल, ये देखिए नेशनल वाटरवे, ठीक है, ये नेशनल वाटरवे वन है, गंगा का जो नेशनल वाटरवे जो है वो वन है, कहां से कहां तक है ये, अलाहाबाद से लेकर हल्दिया तक, ठीक है, अलाहाबाद से लेकर हल्दिया तक। अभी रिसेंट यहाँ पे एक, आपको अगर पता हो तो थोड़े दिन पहले वाराणसी से लेकर हल्दिया तक अभी टेक्निकल और फाइनेंशियल असिस्टेंस लेके वर्ल्ड बैंक की, और प्रोजेक्ट जो यानी कि फर्स्ट फेज जो है चालू किया गया था और हमारे प्राइम मिनिस्टर ने इनोग्रेट भी किया था। तो ये बताते हैं कि इस तरह की चीज़ें अगर मना कर दी जाएगी इस बिल के अंदर कि जेटीज वगैरह भी नहीं बनेगी या पोर्ट्स वगैरह या फिर कोई भी हाइड्रोलिक जो स्ट्रक्चर है परमानेंट वो भी नहीं बनेगा, तो इस तरह का जो ये हमारा नेशनल
नेशनल वोटरवे हम जो बना रहे हैं, वन जिसको ऑपरेट करने की पूरी बात हो रही है, तो ये कैसे आगे बढ़ेगा, ये एक थोड़ा सोचने की बात है इसमें, राइट। ये बताते थे वोटरवे प्रोजेक्ट इन्वॉल्व क्रिएटिंग परमानेंट एंड मूवेबल टर्मिनल दैट रिक्वायर्ड ड्रेजिंग। अब ये कह रहे हैं जो प्रोजेक्ट है वोटरवे का, तो उसके अंदर तो क्या होगा, देखिए एक परमानेंट और मूवेबल टर्मिनल्स भी होंगे, ड्रेजिंग भी किया जाएगा। ड्रेजिंग यानी कि क्या होता है कि जो सिल्ट वगैरह आ जाती है, ठीक है, मिट्टी वगैरह आती है, उसको हटाना, निकाल देना, तो उस डीसिल्टिंग करना। और ये कह रहे हैं इसके कारण जो, ताकि जो रिवर की डेप्थ है वो प्रॉपर बनी रहे। लेकिन अगर ये बिल पास होता है तो इस तरह की चीज़ें भी नहीं की जाएगी, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं दो पैराडॉक्सियल सिचुएशन है। आप बोल रहे हैं कि नेशनल वाटरवे हमें प्रॉपर बनाने हैं, और उसके साथ साथ ऐसा बिल भी ला रहे हैं, तो दोनों को जो है एक बैलेंस बनाने की जरूरत है, ये बताते हैं। और इस बिल में देखिए ये भी कहा है कि अगर इस तरह का जो कंटिन्यूअस फ्लो है पानी का, अगर उसको कोई भी चीज ऑब्स्ट्रक्ट करती है, चाहे कोई भी पोर्ट बनाया, कुछ भी बनाया, तो उस जो बॉडी है उसको पूरा जो है पनिशमेंट मिलेगी, उसको प्रिजन यानी कि 3 साल की इंप्रिजनमेंट भी मिल सकती है, 50 करोड़ का उसके ऊपर फाइन भी लग सकता है। तो ये देखिए, लेकिन एक्टिविस्ट इस चीज से भी खुश नहीं है। अभी एक्टिविस्ट ने बोला है जो आपने यहाँ फ्लो यूज किया है, यहाँ फ्लो मत कीजिए, यहाँ नेचुरल फ्लो कीजिए। फ्लो तो कुछ भी हो सकता है, नेचुरल फ्लो जो होगा, जो एक रिवर का नेचुरल फ्लो है वो यहाँ पे होना चाहिए। तो इस तरह का कुछ जो यहाँ पे एक्टिविस्ट है जो गंगा को पूरा क्लीन रखने की कोशिश करते हैं, तो उन एक्टिविस्ट ने इस तरह का एलिगेशन भी लगाया है। और ये बताया कि देखिए गवर्नमेंट मोस्टली सीवेज प्लांट लगाने की बात हो रही है, लेकिन सीवेज प्लांट भी अभी तक जो है प्रॉपर नहीं लगे हैं। पूरी कोशिश करने के बाद भी आज भी इतना पोल्यूशन लेवल इसके अंदर, रिवर के अंदर जाता रहता है, ठीक है। तो ये पूरा आर्टिकल था, काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल था। इसके अलावा BS6 के बारे में मैं थोड़ा बता देता हूँ आपको। अभी देखिए, अभी सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया था, वैसे हम ये पढ़ चुके हैं, और राज्यसभा के अंदर बहुत अच्छा डिबेट आया था, अगर आप टाइम मिले तो आप देख सकते हैं। अभी जो भारत स्टेज 6 है, देखिए क्या हुआ था, इस पूरे आर्टिकल में बताया है कि भारत स्टेज 6 क्या है और भारत स्टेज 1 क्या है। देखिए पहले भारत स्टेज 1 आया था, ठीक है, ऐसे ही यूरोप के जो है, यूरोप की ऐसे ही नॉर्म्स है कि पहले यानी कि कौन कितना जो लेवल होना चाहिए, कैसा तेल होना चाहिए, कैसे जो है हमारे पूरे व्हीकल्स वगैरह होना चाहिए जिसके अंदर इस तरह का ही तेल डाला जाए ताकि वो पोल्यूशन कम करे। तो इसकी कुछ स्टेजेस थी, जैसे भारत स्टेज 1 1992-93 के करीब आसपास स्टार्ट हुआ था, ठीक है। तो उसके बाद देखिए BS2 शुरू हुआ, देखिए नहीं 2000 में हुआ था BS1 जो यूरो 1 को फॉलो करता था, उसके बाद BS2 चालू हुआ जो यूरो 2 को, यानी कि यूरोपियन जो कंट्रीज में यूज़ किया जाता है वही हमने BS नाम से, भारत स्टेज नाम से स्टार्ट किया 2001 में। इसके बाद देखिए 2000 उसके बाद 2001 में तो आया BS2, और BS3 जो है उसके बाद इंट्रोड्यूस किया गया, फिर BS4 आया, और 2017 में देखिए आपको अगर याद होगा 2017 में BS4 यूज़ किया गया था, और गवर्नमेंट ने ये भी बोला था कि BS5 जो है हम करेंगे 2021 या 22 तक, ठीक है, BS5, ठीक है, और BS6 करेंगे 2024 तक स्टार्ट। अब BS6 का क्या मतलब है कि और ज़्यादा क्लीन, यानी कि इतना ज़्यादा पोल्यूशन नहीं होगा, नाइट्रस ऑक्साइड, जो सल्फर ऑक्साइड या ये सब गैसेस जो निकलती हैं पेट्रोल और डीजल से, वो इतनी यानी कि इतने हार्मफुल नहीं होगी, कम हार्मफुल होगी। इस तरह का तेल में मॉडिफिकेशन किया जाएगा, टेक्नोलॉजी में मॉडिफिकेशन किया जाएगा। लेकिन फिर गवर्नमेंट ने क्या बोला कि हम BS5 नहीं लेके आएंगे, हम सीधा BS6 लेके आएंगे, ठीक है। लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट ने भी ये पूरा टाइमलाइन दे दिया है कि 2020 तक, 2020 अप्रैल तक लास्ट जो है, उसके बाद जो आप जो BS6 ही जो व्हीकल से वही बिकेंगे जो भारत स्टेज 6 को नॉर्म्स को फॉलो करते होंगे, BS4 नहीं बिकेगा, ठीक है। तो इसी के ऊपर ये पूरा बताया गया है, और इसमें क्या होता है एक्चुअली जो पोल्यूशन लेवल है उसको कंट्रोल करने के लिए ये चीज़ की जाती है। अब इसमें देखिए कुछ चीज़ें हैं जो हमें ध्यान रखनी है, क्यों जो कंपनीज हैं, ठीक है, जो जो भी ये बस ट्रक वगैरह कोई भी कारोबार जो बनाने वाली कंपनीज है, ये क्यों ऑब्स्ट्रक्ट कर रही है, जो मैन्युफैक्चरिंग है हो रही है तो ये क्यों ऑब्स्ट्रक्ट कर रही है, उसका रीज़न आपको पता होना चाहिए। देखिए एक तो सबसे पहला क्या होगा, ये बोल रहे हैं कि हमें टेस्टिंग वगैरह के लिए बहुत कम टाइम मिल रहा है, क्योंकि नया जो इंजन आएंगे, इंजन के अंदर कुछ चेंजेस होंगे, तो ये बोल रहे हैं टेस्टिंग और रिसर्च के हमें बहुत कम टाइम मिल रहा है, इतने टाइम में हमें लिए मुश्किल है। सेकंड, ये देखिए कंज्यूमर के लिए क्या होगा, चीज़ें एक्सपेंसिव हो जाएंगी, नया इंजन लगेगा, इंजन के अंदर चेंजेस किए जाएंगे या और भी इक्विपमेंट जो ऐड होंगे, तो उससे जो है डीजल व्हीकल या पेट्रोल व्हीकल एक्सपेंसिव भी हो जाएंगे, तो इससे को है कंज्यूमर को भी लॉस होगा। लेकिन वाइडर टर्म में देखें तो देखिए बेनिफिट ज़्यादा है, कि पॉल्यूशन इतना ज़्यादा हो गया है दिल्ली NCR के रीजन में, तो ये BS6 को लाना बहुत कंपलसरी है। तो यही बात ये बोल रहे हैं कि ये बहुत ज़रूरी है कि डिजायर्ड स्पेसिफिकेशंस ना इस तरह की रखी जाए। और देखिए अगर BS6 आ जाता है
तो फ्यूल में भी चेंजेस करने पड़ेंगे, फ्यूल की जो स्पेसिफिकेशन है उसको भी चेंज करना पड़ेगा। अगर BS4 लेवल का फ्यूल है तो BS6 लेवल का जो आपके व्हीकल होगा उसके अंदर काम नहीं करेगा, तो उसको भी चेंज करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो ये पूरा आर्टिकल आपको पता होना चाहिए, बी एस स्टेज क्या है, 12 स्टेज क्या है और कितना परसेंट रिडक्शन हो सकता है। कुछ लोगों ने बोला है देखिए करीबन 15% रिडक्शन हो जाएगा इससे पोल्यूशन का, तो बहुत बड़ी एक चीज़ है ये। ठीक है, इसके अलावा देखिए ये आर्टिकल आया है नागालैंड से रिगार्डिंग। आपको पता है नागा नागा जो है यहाँ पे, ये नागा की काफ़ी गतिविधियाँ रहती थी और एक ऑर्गेनाइजेशन भी थी, अगर आपने नाम सुना हो, नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड, इसक मोवा। ठीक है, NSCNIM एक ऑर्गेनाइजेशन थी जो बहुत पहले से रिवोल्ट करती आ रही कि नागालैंड जो है उसको ऑटोनोमी दो, यानी कि नागालैंड अलग स्टेट बनना चाहिए, इंडिया में नहीं होना चाहिए। लेकिन 2015 में एग्रीमेंट हुआ, देखिए जो गवर्नमेंट है और उसको और जो NSCNIM के बीच एग्रीमेंट हुआ, इन्होंने बोला कि हम जो है अपना अलग से यानी कि देश बनाने की मांग है वो छोड़ देते हैं, लेकिन और कुछ डिमांड इन्होंने रखी। गवर्नमेंट ने जो ये है पूरा एग्रीमेंट है इसको सीक्रेट ही रखा, अभी तक ये जो है बाहर नहीं निकल के आए। लेकिन अभी जो मणिपुर के लोग हैं उनको ये डर सता रहा है कि नागालैंड जो है उनकी डिमांड मानी जाएगी कि ग्रेटर नागालैंड बनाया जाएगा, जिसको नागालिम भी बोलते हैं। ग्रेटर नागालैंड अगर बनाया जाएगा तो वो क्या होगा कि मणिपुर का ये देखिए रेड वाला एरिया, ये मणिपुर का एरिया भी उसमें चला जाएगा, कुछ असम का एरिया भी उसमें चला जाएगा और कुछ अरुणाचल प्रदेश का एरिया भी उसमें चला जाएगा। ठीक है, तो नागालैंड के लोगों को लगता है, नागा लोग है कि हमारे लोग यहाँ भी रहते हैं, इस एरिया में रहते हैं, तो ये सारा एक ग्रेटर नागालैंड बनाना चाहिए इसको। ठीक है, लेकिन मणिपुर के जो गवर्नमेंट है या लोग हैं वो इस चीज़ को ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हैं और उन्होंने अभी रैली वगैरह भी ऑर्गेनाइज की है कि हमारे जो स्टेट है उसको ऐसे कम नहीं किया जाएगा, ऐसे नागा लोग रहते हैं ठीक है अलग बात है, लेकिन हमारे स्टेट जो है वो उतना ही रहेगा, उसकी बाउंड्री को आप कम नहीं कर सकते। इसी के ऊपर ही पूरा विवाद है, तो आपको पता होना चाहिए ग्रेटर नागालैंड क्या है और नागालिम है तो नागालिम किस चीज़ को बोलते हैं। ठीक है, तो ये पूरा आर्टिकल था। इसके अलावा देखिए अभी आपको पता है कि 8 नवंबर हो गया है और आज के ही दिन जो है 2 साल पहले 2016 में हमारे प्राइम मिनिस्टर ने डिमोनेटाइजेशन किया था। उसके अंदर क्या हुआ था कि आपको सभी को पता है 1000 और 500 के नोट बंद कर दिए गए थे और उनके अलावा जो है काफी टाइम लगा था, फिर पूरा इकोनॉमी में कैश आया और क्या तर्क दिया गया था कि हम जो चाहते हैं वो कैशलेस सोसाइटी चाहते हैं या लेस कैश सोसाइटी चाहते हैं, जहाँ पे कैश बहुत कम यूज हो। लेकिन आज भी अगर इस चीज़ को देखा जाए, डेटा RBI के डेटा को देखा जाए तो ये चीज़ अभी भी कम नहीं हुई है। ये कहते हैं कि उस टाइम 2016 में करीबन 17.9 लाख करोड़ जो है कैश जो है सर्कुलेशन में था, लेकिन इस टाइम तो और बढ़ गया है 19 लाख। ठीक है, करीबन 2 लाख करोड़ और ज़्यादा जो है कैश जो है इकोनॉमी के अंदर फ्लो कर रहा है। तो ये कह रहे हैं कि लोगों ने कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा है कि आज भी लोग कैश पे ही बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट रहते हैं। ATM वगैरह भी और बहुत अच्छी ग्रोथ, 8% ग्रोथ है ATM वगैरह भी, हर यानी कि हर महीने में हजारों ATM भी लगाए जा रहे हैं। उसके बाद ये भी बात, एक और चीज़ भी बोल रहे हैं कि मोबाइल बैंकिंग ट्रांजेक्शन है वो भी बढ़ी है, उसके अंदर भी काफ़ी यानी कि करीबन 2016 से बात करें तो उस टाइम से अभी तक देखा जाए तो बहुत ज़्यादा बढ़ावा देखने को मिल रही है। तो उस टाइम जो है मोबाइल बैंकिंग करीबन 1.13 लाख करोड़ जो है इतना यूज़ होता था, अभी दुगना हो गया, करीबन 82% जो है मोबाइल बैंकिंग ज़्यादा यूज़ करने लगे हैं लोग। तो दोनों ही चीज़ें हैं, कैश में भी यानी कि बढ़ोतरी हुई है और मोबाइल बैंकिंग ट्रांजेक्शन में भी बढ़ोतरी हुई है। इसके अलावा देखिए ये आर्टिकल है US ने जो वेवर दिया है हमें उसी से रिगार्डिंग, और ये वैसे बहुत प्रॉपरली हम एक आर्टिकल डिस्कस किया था कि कैसे जो है वेवर छूट मिलने के बाद भी इंडिया और ईरान के रिलेशन ख़राब हो सकते हैं, तो वैसा ही ऐसा आर्टिकल में पूरा बताया हुआ है। अभी रिसेंट क्या हुआ, फ्रंट पेज पे भी एक न्यूज़ आई है आज कि इंडिया को जो है छूट मिल गई है कि छाबार पोर्ट, ठीक है, छाबार पोर्ट हम जो डेवलप कर रहे थे वो हम डेवलप करते रहेंगे, उसके ऊपर कोई भी सैंक्शन नहीं लगाई जाएगी, इंडिया को इस चीज़ की छूट दी गई है। और छाबार पोर्ट जो हम ईरान में लगा रहे हैं, आपको पता है उसके थ्रू इंडिया अफगानिस्तान के अंदर भी जा सकता है और सेंट्रल एशिया के अंदर भी जा सकता है, तो इसलिए जो है हम छाबार पोर्ट बना रहे हैं। तो छाबार पोर्ट के ऊपर तो वेवर मिल गया, यानी कि ऑयल के ऊपर भी वेवर मिल गया, लेकिन अभी पूरा देखिए मैं पूरा इस आर्टिकल को आपको नॉर्मली समझा देता हूँ। देखिए अभी रिसेंट क्या हुआ, 6-8 कंट्रीज को वेवर मिला, जैसे इंडिया हो गया, चाइना हो गया, लेकिन इंडिया ने क्या किया, इंडिया ने जो है ऑयल रिडक्शन किया है। ठीक
ठीक है, बहुत कुछ महीनों में ऑयल रिडक्शन बहुत ज़्यादा किया है। ईरान पहले हमारा सेकंड नंबर डेस्टिनेशन थी जिससे हम ऑयल इंपोर्ट करते थे, लेकिन अब ये थर्ड नंबर पे पहुंच गया, यानी कि ऑयल जो है हम कम खरीदने लगे हैं ईरान से। और इंडिया ईरान के रिलेशन अगर ख़राब होते तो बहुत ज़्यादा लो समय होता है। उसका रीज़न क्या है? सबसे बड़ा एक तो तेल से तो होगा ही होगा, उसके अलावा जो ईरान जो है हमारा बहुत सपोर्ट करता है कि कहीं ना कहीं हम जो काउंटर करते हैं पाकिस्तान को, चाइना को, चाइना का आपको पता है गवदार पोर्ट पाकिस्तान बनाया जा रहा, तो हम छाबार पोर्ट बना रहे, तो ईरान उसमें भी हमें सपोर्ट करता है। ईरान को अगर हम, ईरान हमें सपोर्ट नहीं करेगा तो और हमारे जो इश्यूज हैं नेशनल सिक्योरिटी के इश्यू वो भी अराइज हो जाते हैं। तो इस आर्टिकल में भी पूरा यही बोला गया है कि इंडिया को जो है, इंडिया को प्रॉपरली ये बोलना चाहिए था, इंडिया ने बोला तो सही कि हम जो है यूएस को, यूएस की जो सैंक्शंस हैं उनको नहीं मानते, लेकिन इंडिया को जो है चाइना की तरह पूरा स्टैंड लेना चाहिए था और ऑयल रिडक्शन भी ज़्यादा नहीं करना चाहिए था। ऑयल रिडक्शन क्या हुआ, आपने ईरान को भी फेवर में रखने की कोशिश की और यूएस को भी, लेकिन दोनों ही केस में हो सकता है कल को ईरान भी नाराज़ हो इस केस से और यूएस भी नाराज़ हो जाए, तो यानी कि बेनिफिट हो सकता है कि दोनों साइड ही ना हो। तो ये बोल रहे हैं कि इस तरह की जो पॉलिसीज है उस पर प्रॉपर सोच के और पूरा इम्पैक्ट सोच के उसको ध्यान देना चाहिए। इसके अलावा ये बताते हैं इंडिया को जो है अल्टरनेट तरीके ढूंढने चाहिए, अगर हम डॉलर का यूज़ नहीं कर सकते तो कैसे हम जो यानी कि रुपी है या रियाल है जो ईरान की करेंसी है उसमें हम ट्रेड कर सके, ताकि डॉलर पे डिपेंडेंट ना रहना पड़े, सैंक्शन अगर लग जाए तो भी हमें कोई ज़्यादा लॉस ना हो। ठीक है, तो वही सब चीज़ें इसके अंदर बताई हुई है पूरा, और कुछ खास नहीं है इसके अंदर। इसके अलावा ये आर्टिकल बहुत अच्छा है, ठीक है, ये बोलते हैं कि देखिए कैसे इंडिया और यूएस के जो रिलेशंस है, जैसे हम जो सोच के चलते हैं कि इंडिया का और यूएस का रिलेशन बहुत अच्छा है, लेकिन यूएस इस चीज़ को नहीं मान के चलती है, वो पूरा इसके अंदर, पूरा आर्टिकल के अंदर बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। ये देखिए, ये कहते हैं कि सबसे पहले इंडिया और जो यूएस का जो है, यानी कि यूएस जो है करीबन 15 बिलियन का आर्म्स जो है हमें डिलीवर किए हैं, यानी कि एक्सपोर्ट किए हैं इंडिया को पिछले 10 सालों में, लेकिन ये कहते हैं फिर भी जो डोनाल्ड ट्रंप है या यूएस गवर्नमेंट है वो हमारे से ज़्यादा खुश नहीं है, जैसे ही हमने S-400 खरीदने की बात कही रशिया से। इसके रीज़न क्या है, क्यों जो है इतना खुश नहीं है यूएस हमारे साथ, जबकि हम इतना ज़्यादा ट्रेड कर रहे हैं उनके साथ भी, और अभी तो और ट्रेड हम बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। इसका रीज़न ये बोलते हैं, देखिए कुछ रीज़न ऐसे हैं जिसमें इंडो पैसिफिक रीजन जो है उसमें इंडिया को बहुत बड़ा पार्टनर नहीं मान के चलता यूएस, उसका रीज़न ये क्या बताते हैं, 3 रीज़न है। देखिए सबसे पहले हम रशिया से आर्म्स खरीद रहे हैं, तो रशिया तो एक तरह से थ्रेट है यूएस के लिए, ठीक है, सबसे पहली ये बात है, हम उससे आर्म खरीद रहे हैं और वो थ्रेट है, यूएस उसको, रशिया को थ्रेट मानता है, तो पहली चीज़। सेकेंड है स्ट्रेस इंटर ऑपरेबिलिटी विद द यूएस फोर्स, और ये क्या है, जो हमारे कोई भी ट्रेड होता है तो हम इंटर ऑपरेबिलिटी भी अभी हमने साइन किया साइन यूएस के साथ, तो वो भी एक इशू है। थर्ड ये क्या है, बिलीविंग दैट द यूएस मेक्स द बेस्ट, और यूएस ये मान के चलता है कि हम सबसे अच्छी मिलिट्री हमारी है और सबसे ज़्यादा अच्छे प्रोडक्ट हम बनाते हैं, लेकिन इंडिया क्या बोल रही है कि S-400 बहुत अच्छा है, यूएस के पास ऐसी टेक्नोलॉजी आज भी नहीं है। S-400 जो डिफेंस ये जो हमने एग्रीमेंट साइन किया है S-400 का, तो ये ज़्यादा अच्छा है, तो इसमें भी जो कहीं ना कहीं यूएस को ये चीज़ लगती है कि हमारा अच्छे नहीं है, रशिया के अच्छे हैं, जबकि ट्रंप को, यूएस को ये लगता है कि हमारे अच्छे हैं, तो इंडिया इससे S-400 खरीदा तो यूएस को तो ये लगेगा कि इंडिया जो है S-400 को ज़्यादा तर्ज दिया, क्योंकि इंडिया को लगता है S-400 ज़्यादा अच्छा है। तो ये 3 रीज़न है, इस वजह से कहीं ना कहीं जो इंडिया और यूएस के रिलेशन है उसमें एक तरह से नेगेटिव चीज़ें ये शो करता है। अब देखिए क्या क्या चीज़ें और बताता है कि कैसे हम मान के चले कि इंडिया और यूएस के रिलेशन बहुत अच्छे नहीं है, या इंडिया जो मान के चलती है वैसा यूएस की तरफ से नहीं है। ये कहते हैं देखिए कुछ दिन पहले क्या हुआ था, ट्रंप ने बोला था कि जो ये जो रीजन है, राइट, एशिया पैसिफिक रीजन है, इसको इंडो पैसिफिक रीजन का नाम दे दिया था। इसके रीज़न देखिए, इंडिया को क्या लगने लगा, इंडिया लगने लगा कि इंडिया के लिए, इंडिया की इंपॉर्टेंस बहुत बढ़ गई है यूएस के अंदर, और जो, लेकिन सच्चाई ऐसी नहीं थी। ठीक है, सच्चाई में बताते हैं कि ट्रंप की बात करें, या ना ही तो ट्रंप और ना ही नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी NSS, ठीक है, उनके डॉक्यूमेंट में ऐसा कुछ दिखाया गया कि हाँ इंडिया को इतनी इंपॉर्टेंस दी जा रही है, इसलिए इस रीज़न का जो रीज़न है ये वाला रीज़न है, ये देखिए ये वाला रीज़न और ये वाला रीज़न, पूरा इंडो पैसिफिक इसका नाम रखा गया। तो इसका देखिए ट्रंप ने क्या बोला, ट्रंप ने बोला जब 2017 की एक मीटिंग हो रही थी वियतनाम के अंदर, तो उस मीटिंग में ट्रंप ने ये बात बोली कि इंडो पैसिफिक रीजन हमने वियतनाम की वजह से रखा है, ठीक है, यानी कि
डायरेक्टली नहीं बोला, उन्होंने वियतनाम के जो एफर्ट्स हैं उनको इनकी प्रशंसा की, और उनके ही बोला कि इनके ही कहीं ना कहीं इनको देखते हुए दिमाग में ही हमने इंडो पैसिफिक रीजन जो है इसका नाम रखा है। इसके अलावा ये भी यूएस ने माना कहीं ना कहीं कि जो आसियान है और एपेक कंट्रीज है वो बहुत जरूरी है इस इंडो पैसिफिक रीजन के आर्किटेक्चर के लिए, और कहीं भी इंडिया का नाम नहीं लिया इसमें कि इंडिया की वजह से हमने इंडो पैसिफिक इसका नाम रखा है। ये बताते हैं कि इंडो पैसिफिक इज डिस्क्राइब एज डिस्क्राइब्ड इन एसएसए रिप्रेजेंट द मोस्ट पॉपुलेशन इकोनॉमिक डायनेमिक। ये कहना है कि इंडो पैसिफिक क्यों नाम रखा है इसका, जो एनएसएस के डॉक्यूमेंट है, ये एनएसएस बार बार मैं रिपीट करूंगा, नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी जो है इसका जो डॉक्यूमेंट है उसमें भी ये चीज़ डिस्क्राइब की गई, ये एरिया बहुत ज़्यादा पॉपुलेस है, मोस्ट पॉपुलेस यानी कि सबसे ज़्यादा यहाँ पे पॉपुलेशन रहती है, इकोनॉमिकली ये डायनेमिक एरिया है वर्ल्ड के लिए, और ये स्ट्रेच कहाँ से कहाँ तक है, ये इंडिया के वेस्टर्न शोर से लेकर और जो वेस्टर्न कोस्ट है यूनाइटेड स्टेट की, तो कहीं ना कहीं इंडिया को जो है इसमें कहीं कंसिडर नहीं किया गया। इसके अलावा देखिए एक और क्या बताते हैं कि एनएसएस 2017 जो है इसने जो इंडिया का मोस्ट वाइटल इंटरेस्ट था बे ऑफ बंगाल रीजन उसको भी इंक्लूड नहीं किया इंडो पैसिफिक रीजन में, ठीक है, अरेबियन सी को भी इंक्लूड नहीं किया, और जो मलक्का स्टेट है वो भी कहीं ना कहीं इससे दूर यानी कि छूट गया, जहाँ से पूरा हम इंडिया का पूरा ट्रेड होता है पैसिफिक रीजन में और जो गेटवे है हमारे लिए, ठीक है, अगर हमें साउथ एशिया या जापान या साउथ कोरिया के साथ ट्रेड करना है तो मलक्का स्टेट आपको पता है सिंगापुर के आसपास से पास से नीचे से गुजरता है, तो मलक्का स्टेट हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है इसको भी इंडो पैसिफिक रीजन में जो है इंक्लूड नहीं किया। ये बताते हैं कि देखिए चाइना को काउंटर करना चाहता है यूएस, ये सबको पता है कि चाइना का जो असर्टिवनेस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है और चाइना जो है मेन थ्रेट है यूएस का। लेकिन अगर बात करें तो, और देखिए इंडिया ये मान के चलता है कि हमारा जो है लॉन्ग स्टैंडिंग डिस्प्यूट है इंडिया का, इसलिए जो है इंडिया यूएस के जो रिलेशन है बहुत अच्छे हैं, क्योंकि यूएस चाइना को काउंटर करना चाहता है और इंडिया भी कहीं ना कहीं चाइना को काउंटर करना चाहता है, लेकिन ये बोलते क्या हम इस चीज़ से एग्री हैं कि वाकई यूएस जो है हमें इस चीज़ के लिए सपोर्ट करता है, ये कहते हैं नहीं। देखिए ये मान के चलते हैं, ट्रंप ये मानता है कि इकोनॉमिक सिक्योरिटी इज नेशनल सिक्योरिटी, यानी कि जो कंट्री इकोनॉमिकली बहुत अच्छा ग्रो कर रही होगी वही जो है नेशनल सिक्योरिटी प्रोवाइड करा सकती है अपने नेशनल्स को या दूसरे नेशनल्स को भी। कहते हैं चाइना बहुत ज़्यादा मिलिट्री पावर तो पूरी ग्रो करी है लेकिन वो किस पे डिपेंडेंट है, पूरी इकोनॉमिक प्रोग्रेस पे, इतना ज़्यादा इन्होंने प्रोग्रेस किया ऑटोमेटिकली इनकी जो है इकोनॉमिक पावर बढ़ गई है, और इस वजह से जो है कहीं ना कहीं जो चाइना है बहुत कॉम्पिटेटिव तरीके से यूएस को काउंटर कर रही है। अब ट्रंप का क्या है, ट्रंप भी देखिए आप देखिए इकोनॉमिकली चाइना ग्रो कर रहा है, इंडिया ग्रो कर रहा है लेकिन बहुत अच्छा ग्रो नहीं कर रहा है, कंपैरेटिवली कर रहा है लेकिन उतना अच्छा नहीं कर रहा है। अब देखिए मैं क्या बात बताना चाह रहा हूँ, यहाँ पे यूएस की जो पॉलिसी अभी आई है अमेरिका फर्स्ट, अमेरिका फर्स्ट में देखिए प्रोटेक्ट कर रहे हैं अमेरिका की जॉब को, बायलेटरल ट्रेड प्रैक्टिसेस को रेसिप यानी कि चेंजेस कर रहे हैं ताकि यूएस को फायदा हो, और जो प्राइवेट सेक्टर है उनको भी बहुत प्रॉपरली ऐसे अलाउ नहीं कर रहे बाहर का कोई भी प्राइवेट सेक्टर आए और यहाँ पे आके जो है पूरा जो है यहाँ की जॉब्स वगैरह को ले ले, या बाहर के इंडिया का जो नेशनल्स जाते हैं वहाँ पे जॉब करने तो उनके ऊपर भी काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई है, H1B वीज़ा के बारे में आपने सुना होगा। तो ये कह रहे हैं कि अब इन प्रायरिटीज़ में जो यूएस की प्रायरिटीज़ हैं इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग होने की अपने तरीके से जैसे अमेरिका फर्स्ट, तो उसमें इंडिया को कहाँ रोल दिया गया है, इंडिया की इकोनॉमी और ट्रेड पॉलिसी में कहाँ इससे अलाइन हो रही है, ये चीज़ कहीं भी अलाइन नहीं हो रही, इवन इंडिया को तो लॉस हो रहा है जिस तरह की पॉलिसी यूएस यूज़ कर रहा है, ठीक है, H1B वीज़ा से रिगार्डिंग हो या कोई अभी जो स्पेशल प्रोटेक्शंस थी वो भी हटा दी गई हमारी काफ़ी छोटी जो स्मॉल मीडियम इंडस्ट्रीज है उसके ऊपर, उस तो ये चीज़ें बोल रहे हैं कि इकोनॉमिकली भी हमें स्ट्रॉन्ग नहीं करना चाहती यूएस, तो हम कैसे मान ले कि हमें यूज़ करेगी चाइना को काउंटर करने में, तो हमारी ये थिंकिंग है और ये प्रॉपर यानी कि यूएस ऐसा नहीं मान के चलता कि इंडिया की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है या इंडिया जो है इंडो पैसिफिक रीजन में प्रायरिटी है उनके लिए अगर चाइना को काउंटर करना है तो। इसके अलावा देखिए कह रहे हैं डिफेंस पार्टनरशिप में, देख लीजिए डिफेंस पार्टनरशिप में भी जैसे इंडिया यूएस का इंडिया और रशिया के बीच में इतना अच्छे रिलेशन है तो ये भी कहीं ना कहीं यूएस को कहीं ना कहीं खतरे में रखता है कि यूएस इस चीज़ से वरी रहता है कि यूएस के साथ ज़्यादा अच्छे रिलेशन होने चाहिए रशिया के साथ नहीं, तो इस चीज़ में भी हम फिट नहीं बैठते इंडो पैसिफिक रीजन की जो पूरी अगर स्ट्रेटेजी की बात करें तो, राइट। तो ये पूरा इन्होंने समझाया। इसके अलावा कहते हैं हाउ यूजफुल इज इंडिया फॉर यूएस, इंडिया कितना यूजफुल है यूएस के लिए, ठीक है, ये कहते हैं कि देखिए एनएसएस का जो डॉक्यूमेंट है या एनएसएस जो बोलती है बोलते हैं प्रोस्पर स्टेट्स आर स्ट्रॉन्गर सिक्योरिटी पार्टनर वो आर एबल टू शेयर द बर्डन ऑफ कन्फ्रंटिंग कॉमन थ्रेट्स। ये कहते हैं कि जो अच्छा स्टेट होता है जो बहुत अच्छे तेजी से ग्रो कर रहा होता है तो वो पार्टनर होता है यूएस वगैरह का या किसी का भी अगर किसी का बर्डन शेयर करना हो, जैसे कि चाइना एक बर्डन है, सपोज कीजिए यूएस के ऊपर बर्डन है, यूएस चाहता है चाइना को काउंटर किया जाए, तो इंडिया को अगर वो
इंडिया से काउंटर करवाना चाहता है या इंडिया को अपने फेवर में लेना चाहता है, तो इसके लिए जो है ये कंट्री ग्रो करना चाहिए, इंडिया जो है प्रॉपर ग्रो करना चाहिए। लेकिन ये कह रहे हैं ऐसा नहीं हो रहा है। इंडिया की जो इकोनॉमी की बात करें तो वो करीबन 3 ट्रिलियन डॉलर की है, जबकि चाइना की जो इकोनॉमी है वो 14 के आसपास ट्रिलियन डॉलर के आसपास, जो कि करीबन 5 टाइम बिगर है। डिफेंस बजट की बात करें तो भी वो 4 या 5 गुना ज़्यादा है चाइना का। तो हम कैसे मान लें कि जो है हम बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी हमारे लिए है, जो यूएस है हमें बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देता है, ठीक है। तो ये इसके अलावा ये देखिए कहते हैं कि जो ट्रंप है वो इंडिया के अंदर ऐसा भी कुछ बहुत बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट ऑफर नहीं कर रहा है, ठीक है। चाइना के अंदर देखिए अगर ट्रेड की बात करें, अब देखिए इसमें एक और पॉइंट है, ये बताते हैं, जब ये पूरे बात हो रही थी तो इंडिया को ये लगने लगा कि चाइना, ये यूएस चाहता है कि इंडिया जो है इन्वेस्ट करे आशियान कंट्रीज के अंदर, ठीक है, आशियान कंट्री के अंदर इन्वेस्ट करे। लेकिन ऐसा नहीं लगता है, ये बोलते हैं कि देखिए आशियान कंट्रीज के साथ ट्रेड करने के लिए जो टू वे ट्रेड है वो हमारा बहुत कम है आज भी। चाइना का साथ ट्रेड जो है आशियान के साथ वो बहुत ज़्यादा है। देखिए इंडिया का ट्रेड 71 बिलियन, चाइना का ट्रेड 452 बिलियन डॉलर। तो आज भी हम यहाँ भी हम कुछ ऐसा इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, तो इंडिया को ये लगे कि चाइना, यूएस को ऐसा लगता है कि इंडिया की सपोर्ट चाहिए आशियान को ग्रो कराने के लिए या आशियान को और अच्छे से ट्रेड करने के लिए, तो यहाँ भी हम बहुत पीछे नजर आ रहे हैं। मैरीटाइम में देखें, मैरीटाइम जो है उसके अंदर भी इंडिया का बहुत ज्यादा जो है कहीं ना कहीं इतना इंपॉर्टेंस नहीं देते। देखिए ये बात करिए कहते हैं कि 90% जो इंडिया का ट्रेड है वो इंडियन ओशन से ही जाता है, और हमारे पास ये कहते हैं कि इंडिया के पास अभी सिर्फ यानी कि करीबन 20 सबमरीन्स हैं सर्विस में जो है, 20 से भी कम है, लेकिन चाइना के पास 78 है। तो मैरीटाइम उसमें भी हम बहुत पीछे हैं चाइना से। ये कहते हैं 2+2 डायलॉग अभी जो यूएस के साथ हुआ, तो जो इंडिया ने क्या है जो इंटेलिजेंस शेयरिंग और ड्रोन जो है काफ़ी इन्वेस्ट करने की बात की कि हमें ड्रोन चाहिए ताकि हम ड्रोन से जो चाइना की सबमरीन है उनको देख सके कि डिटेक्ट कर सके। इसके अलावा देखिए ये कहते हैं कि नेवी के ऊपर जो हमारा बजट है वो भी बहुत कम यूज़ करते हैं, 15% सिर्फ बजट यूज़ करते हैं, जबकि 3 सर्विसेज की बात करें अगर 100 रुपये हैं तो सिर्फ नेवी के ऊपर 15 ही रुपये खर्च किया जाता है, और बचा हुआ तो एयरफोर्स और आर्मी के ऊपर होता है। तो यहाँ भी हमें पता चल रहा है कि हम नेवी को बहुत इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हैं, जबकि यूएस में आप बात करें तो नेवी को सबसे ज़्यादा जो है बजट दिया जाता है। इसके अलावा देखिए बात करें, ये कह रहे हैं कि चाइना के जो चाइना ने अभी सेकेंड एयरक्राफ्ट कैरियर भी अपना बना लिया है, जबकि हम तो बहुत साल पहले ही डोमेस्टिक एयरक्राफ्ट बना चुके हैं, लेकिन फिर भी यूएस जो है हमारा हमारी काउंटर, हम चाइना को काउंटर कर सकते हैं, इसको बहुत ज्यादा तर्ज नहीं देते हैं, उनको आज भी नहीं लगता कि हम चाइना को काउंटर कर सकते हैं। तो फाइनल यही बोलते हैं कि देखिए हम यूएस पे भी डिपेंडेंट है, रशिया पे भी डिपेंडेंट है आर्म्स के लिए, यूएस और चाइना से डिपेंडेंट हम ट्रेड से रिगार्डिंग, तो ये बोल रहे हैं कि हमें दोनों के साथ तो रिलेशन अच्छे रखने ही पड़ेंगे, यानी कि यूएस के साथ भी, रशिया के साथ, चाइना के साथ भी, और इन डिफरेंसेस जो भी आते हैं उनको तो हमें सुलझाना ही पड़ेगा, लेकिन हमें ये भी देखना पड़ेगा कैसे हम चाइना को प्रॉपर काउंटर कर सकते हैं और एशिया के अंदर, ठीक है, यानी कि दिल्ली और वाशिंगटन यानी कि यूएस को मिलकर ये चीज़ सोचनी जरूरी पड़ेगी कि इंडिया को जो है, इंडिया को भी इंपॉर्टेंस उतनी ही देनी पड़ेगी, क्योंकि इंडिया जो है, इंडिया भी ग्रेटर इकोनॉमिक स्ट्रेंथ है। लेकिन कह रहे हैं कुछ चीज़ें जो हमारे इश्यूज है, रेड टेपिज्म हो गया, ट्रेडिंग मेथड हो गया, इनमें हमें चेंजेस करने की जरूरत है। दूसरी बात है कि इंडिया को ये बहुत अच्छी बात है कि इंडिया ये मान के चलता है सोवरनिटी सबसे ऊपर है, जो जवाहरलाल नेहरू जी भी मानते थे कि फॉरेन पॉलिसी जो है वो सोवरन होनी चाहिए, अपने ऊपर पूरा डिपेंडेंट होनी चाहिए। तो इंडिया जो है S-400 अगर परचेज करता है तो इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, और ये कहते हैं कि देखिए मगर ये S-400 परचेज करना इंडिया और यूएस के जो इंडो पैसिफिक रीजन के लिए जो इंडिया इंडिया को लगता है कि इंडिया प्रायोरिटी है, तो वो चीज़ कहीं ना कहीं उसके नेगेटिव, उसके कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं, ठीक है। तो ये पूरा आर्टिकल था, क्यों नहीं यूएस हमें बहुत बड़ा पार्टनर मानता है, ये बात इसमें पूरी एक्सप्लेन की गई है। ये छोटा सा आर्टिकल है, देखिए प्रोटेक्टिंग अगेंस्ट पोलियो, देखिए कह रहे हैं कि पोलियो जो है विद वाइल्ड पोलियो वायरस स्ट्रेन रिड्यूस, देखिए वाइल्ड पोलियो वायरस जो है 99.99% जो है वो रिड्यूस हो गया है। लेकिन ये बोल रहे हैं कि अभी देखिए इसमें दो इशू इन्होंने हाईलाइट किए हैं, ये कहते हैं कि आज भी इंडिया के अंदर जो हम वैक्सीन यूज़ करते हैं ओरल पोलियो वैक्सीन, ये बोल रहे हैं कि इसके कारण भी जो इसके अंदर एक वायरस होता है वो वायरस इवन जो है पोलियो से प्रोटेक्ट करने के लिए होता है, तो लेकिन उससे इवन पोलियो हो रहा है, ठीक है। कौन सा पोलियो हो रहा है? वैक्सीन डिराइव्ड पोलियो वायरस, ठीक है, VDPV।
समझ रहे आप बात को, यानी कि जो ओरल वैक्सीन दी जाती है बच्चों को उसके अंदर भी एक ऐसा वायरस होता है, उससे बच्चों को वैक्सीन डिराइव्ड पोलियो वायरस हो सकता है और उससे ये प्रोटेक्ट नहीं है। देखिए कुछ केसेस बताते हैं कि कुछ केसेस भी देखने को मिले पाकिस्तान अफगानिस्तान के अंदर, वहाँ भी ये इस तरह का ओरल पोलियो वैक्सीन दी जाती है। लेकिन ये कह रहे बहुत ही पैराडॉक्सियल सिचुएशन है, आप यूज़ कर रहे हैं OPVW, OPV ठीक है, और ओरल पोलियो वैक्सीन, लेकिन यही मेन सोर्स है दूसरी जो पोलियो की बीमारी होती है, कौन सी है उसका नाम, वैक्सीन डिराइव्ड पोलियो वायरस। अब ये पूरा देखिए, ये बोलते हैं कि देखिए ये बहुत खतरनाक है, अगर इस बीमारी की बात करें तो इसको टैकल करना बहुत जरूरी है, इसका आउटब्रेक बहुत बार इतनी तेजी से होता है कि उसको रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन इसका ये कहते हैं कि करना क्या चाहिए, देखिए दो चीज बोलते हैं, दो, एक हम जो यूज करते हैं OPV, इसकी जगह हमें इनएक्टिवेटेड पोलियो वायरस वैक्सीन यूज करना चाहिए। इसके अंदर क्या होता है, जो वायरस होता है वो इनएक्टिवेटेड होता है, तो इससे क्या होता है पोलियो को वायरस जो है उसको भी मारा जा सकता है, और इससे जो है जो वायरस से दूसरी बीमारी निकल के आ रही थी राइट VDPV, तो ये भी कम हो सकती है ठीक है, या वैक्सीन एसोसिएटेड पैरालिटिक्स पोलियो माइलेटिसिस ठीक है, इस तरह याद, इतना नाम इतना डिफिकल्ट है, थोड़ा याद करने की जरूरत नहीं, आपको समझने की जरूरत है, यानी कि पूरा ये बात पूरे आर्टिकल में एक ही चीज बोल रहे हैं। देखिए दो चीजें हैं OPV और IPV, तो हमें OPV यूज ना करके IPV यूज करना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर जो वायरस होता है वो इनएक्टिवेटेड होता है, तो इससे जो बच्चे को दूसरी बीमारी हो सकती है पोलियो की ही वो नहीं होगी, यानी कि जो वायरस इसके अंदर होता है OPVW के अंदर वो IPVW के अंदर यूज नहीं होता। और ये बताते हैं IPVW है ये हायर इनकम जो कंट्रीज है यूरोपियन कंट्रीज उसमें यूज होता है, इंडिया वगैरह या लो इनकम कंट्रीज में आज भी OPV होता है, तो इसको बंद करने की जरूरत है। पूरा इस आर्टिकल में वही चीज ये पूरा बार बार दोहरा रहे हैं ठीक है, गवर्नमेंट को क्या एक्शन लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव हमारा क्या होना चाहिए, कि हमें OPV अगर कोई काम नहीं कर रहा है तो हमें उसको चेंज करके IPV में चेंज करना चाहिए। इसके अलावा कहते हैं कि कुछ रीजन है जिसकी वजह से ये IPV इंडिया यूज नहीं करता है, एक तो ये सस्ता पड़ता है OPV सस्ता पड़ता है इनके लिए, इंडिया के लिए सबसे पहला, दूसरी चीज इसको इजीली एडमिनिस्टर्ड किया जाता है, यानी कि IPVW को एडमिनिस्टर्ड करना भी थोड़ा टफ है, उसके बाद इसकी प्रोडक्शन भी बहुत कम होती है, IPV की प्रोडक्शन बहुत कम होती है, और इंडिया को जितना चाहिए उतना वर्ल्ड के अंदर प्रोड्यूस नहीं होता है। लेकिन ये बोलते हैं कि ये कोई एक्सक्यूज नहीं है, इससे जो अगर आप पोलियो से ही बचाना चाह रहे हैं बच्चे को, और कुछ बच्चों को उससे ही पोलियो हो जाता है जो वैक्सीन आप दे रहे हैं, तो ये ठीक नहीं है, इंडिया को जो है IPV को फॉलो करना चाहिए ठीक है, इस पूरे आर्टिकल में यही चीज़ बताया हुआ है। चलिए फिर आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच फॉर प्रीसियस टाइम, और अगर आपको पसंद आया तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए एनसीईआरटी का कोर्स भी मैं डाल रहा हूँ धीरे धीरे, 6th क्लास का ज्योग्राफी वो भी आप देख सकते हैं, और इसके अलावा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का कोर्स भी चल रहा है और हरियाणा जीके का भी। अब इसके साथ एक और कोर्स हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एनवायरमेंट का, तो धीरे धीरे एनवायरमेंट के हम मेजर मेजर टॉपिक कवर करेंगे, और मैं आने वाली वीडियो में बताऊंगा क्या क्या पहले हम कवर करेंगे, ताकि एनवायरमेंट के जो इश्यूज हैं उनको भी हम धीरे धीरे डील करते रहें, ताकि एकदम जो प्रीलिम आएगा हमारा ठीक है, तो उसमें हमें ज़्यादा दिक्कत ना हो, मेजर मेजर चीज़ हमारी कवर हो जाए ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, बाय बाय, टेक केयर, सी यू।